हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू ड्रोन डॉक्टर वंस अगेन। तो अगर आप नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लें तो ये चैनल पे हम लाते हैं ड्रोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टेक जो मैं यूज़ करता हूँ, फ़ोन, मोबाइल, एवरीथिंग, गैजेट्स। तो इन्हीं में किसी में भी आपका इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज जैसे आपने टाइटल पढ़ लिया, काफ़ी दिनों बाद हम क्यू एंड ए शुरू करने वाले हैं। और क्यू एंड ए आज मैं स्पेसिफिकली लूँगा ड्रोन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, एंड मैक्सिमम करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो माफ़ करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन लिए जाएँ। और इसके बाद जो मैं करूँगा आपसे, वो करूँगा हम मोबाइल्स को लेके जो आपके क्वेश्चन हैं। तो अगर मोबाइल वाले मेरे सब्सक्राइबर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट्स लिख डालें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मोबाइल पे होने वाला है, स्पेशली M30S पे। स्टार्ट करूँगा लेटेस्ट क्वेश्चन से, और फिर वो धीरे धीरे जहाँ तक टाइम अलाउ करेगा, और आई विल गो, और हर एक का नाम लिया जाएगा। ये सेशन स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले ड्रोन का लेटेस्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आया है, वो आया है, जुबेर कह रहे हैं, आई बाइड X1S ड्रोन फ्रॉम अली एक्सप्रेस, विल इट कम? देखिए भाई, अब ये क्वेश्चन है, सबके लिए कॉमन है, तो आप ध्यान रखें कि किसी का क्वेश्चन अगर मन में आया तो उनको सवाल मिल जाएगा। अब ये इन्होंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर कर दिया, तो मैं कई बार बोल चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, बाहर की किसी भी साइट से, GearBest.com, ये वो, चाहे टॉय ड्रोन ही क्यों ना हो, मत मंगाइए, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स बहुत डबल स्टैंडर्ड हो रहे हैं। एक तरफ वो ड्रोन कितनी जगह पर यूज़ कर रहे हैं, आज की डेट में प्रधानमंत्री जी ने बोला हम इंडस्ट्रियल ड्रोन लगा के एग्रीकल्चर वाले आपकी लैंड की मैपिंग करेंगे, और ड्रोन के बेसिस पे आपकी लैंड कटेगी और आपको प्रॉपर डीड मिलेगी। तो इतना जब एप्लीकेशन हो रहा है, स्टिल सिचुएशन क्या है कि अभी भी ड्रोन बैन है, इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे, और जो इम्पोर्ट करने की परमिशन है वो अभी चालू नहीं हुई है, तो मत मंगाएं। और आपका पहुंचेगा या नहीं, 90% तो नहीं पहुंचेगा, 10% चांस है पहुंच जाए। तो आपका सवाल मैंने क्लियर कर दिया। अब पैरट अनाफी कैसे बाय करें, सर प्लीज़ बताएं। पैरट अनाफी अगर किसी को नहीं पता तो बहुत अच्छा ड्रोन है, एक ऑपोजिट कंपनी, कॉम्पिटिटिव कंपनी है जो DJI का मुकाबला करती है, लेकिन इंडिया में इसके ड्रोन नहीं आते, क्योंकि इंडिया में ड्रोन्स वही आ रहे हैं, वो भी गोलमाल करके जैसे भी आते हैं, DJI के मैक्सिमम आते हैं, और बाकी छोटे मोटे चाइनीज ड्रोन आते हैं, तो इसलिए अभी कोई उम्मीद नहीं है। जब पूरा मार्केट बन जाएगी, लगेंगे उसमें टाइम, 1-2 साल तब आएंगे। ये सवाल था प्रवीण धारे का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर DJI Phantom 4 Pro EMI पर मिल सकता है? बालाजी लाइव पूछ रहे हैं। देखिए, मेरा भी ये बहुत ही क्वेश्चन अंदर से रहता है हमेशा, कि जैसे बाकी प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, फ़ोन मिल रहा है आजकल EMI पे, सब कुछ मिल रहा है EMI, गाड़ी मिल रही है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन EMI, तो ड्रोन क्यों नहीं? तो उम्मीद करता हूँ जब आने वाले टाइम में, जब मार्केट ड्रोन की बन जाएगी, तब आपको डेफिनेटली EMI पे भी ये चीज़ मिलनी शुरू हो जाएगी, बट फिलहाल के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आ रहा है सवाल, सर आज की डेट में स्टोर ओपन हुआ कि नहीं, DJI ऑफिशियल स्टोर्स कमिंग टू इंडिया? ये सब लीक्स आती रहती हैं, उस पर हम वर्क करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट निकालती है कि आने वाला है या नहीं आने वाला। तो फिलहाल अभी तक तो कोई ऑफिशियल कन्फर्म नहीं है कि कोई ऐसा स्टोर इंडिया में अभी तक आएगा, अभी ये कोरोना चल रहा है तो उस चक्कर में थोड़ा डिले, तो अभी तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। जॉबिन के कह रहे हैं, कैन आई बाय सीमा लेडीबग टॉय ड्रोन फ्रॉम फ्लिपकार्ट विद नो कैमरा? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, जो ड्रोन्स ऐसे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है इंडिया में ऑनलाइन ई कॉमर्स के, अमेजोन इंडिया हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, एक आधा और भी हैं, तो उस पर आपको क्या देखना है, सिर्फ आपको उस पर चेक करना है टाइम ऑफ डिलीवरी। तो जो भी मेरे दोस्त ड्रोन मंगाना चाहते हैं ऐसी साइट्स से, तो वैसे सेफ हैं ये साइट्स, लेकिन एक हिदायत आपको मैं दे रहा हूँ कि टाइम ऑफ डिलीवरी देख लें। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि आपका ड्रोन इंडिया में होना चाहिए, मतलब उनके स्टोर में पड़ा होना चाहिए। अगर स्टोर में पड़ा होगा, कहीं से भी ऑर्डर करेंगे तो नॉर्मल डेज में, ऐसा भी तो लॉकडाउन चल रहा है अभी तो भूल जाइए, नॉर्मल डेज में 3 दिन मैक्सिमम लगते हैं डिलीवरी के लिए, जो बताता है, कहीं से भी आप डिलीवरी कर दें, फ्लिपकार्ट से करें, अमेजोन इंडिया से करें। अगर आपको वो बता रहा है कि 2 हफ्ते लगेंगे, 3 हफ्ते लगेंगे, तो इसका मतलब है कि जो सेलर है उस जगह पर, वो इम्पोर्ट के चक्कर में है, मतलब उसके स्टॉक में ड्रोन नहीं है, उसने बाहर से मंगाना है किसी तरह से, और बाहर से मंगाना आसान नहीं है,
फंसने के चांस है। तो बस आपको इतना देखना है कि जब भी आपने फ्लिपकार्ट जैसी या अमेजोन इंडिया से कोई भी ड्रोन अगर ऑर्डर करना है तो बस डिलीवरी का इन्फॉर्मेशन लें। अगर 2-3 दिन में डिलीवरी है तो आप बेशक उसको ले सकते हैं, आपके पास वो पहुंच जाएगा। हम बिना परमिट के ऊपर उड़ाएंगे, रामा रंगा स्वामी जी कह रहे हैं। बिना परमिट मतलब बिना परमिशन के ड्रोन उड़ाएंगे तो उड़ाएं। मैं किसी को वो नहीं कह रहा, आई एम नॉट ए अथॉरिटी। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आप किसी जगह पर उड़ा रहे हैं फिलहाल तो परमिशन लेनी पड़ेगी। वैसे जनता अगर आप इलीगली कुछ भी करना चाहते हैं उसमें मैं आपको रोक नहीं सकता, बस आपको एक हिदायत दे सकता हूँ कि उसमें प्रॉपर आप सज़ा वगैरह होती है अगर आप पकड़े गए तो। ड्रोन भी सीज हो जाएगा डेफिनेट। मैंडेट मित्तल कह रहे हैं कि फ्रेंकली स्पीकिंग मैविक एयर डज नॉट डू जस्टिस विद नाइट शॉट्स, बट इफ यू लुक एट मैविक प्रो 2 नाइट फुटेज इट्स सो रियल। यस यू आर राइट मिस्टर मैंडेड, मैंने आपको रिप्लाई भी किया था। ये बेसिकली नाइट शॉट्स की बात कर रहे हैं, मैविक एयर को कंपेयर कर रहे हैं मैविक 2 प्रो से। तो प्रो में कैमरा प्रो है, उसमें हैसलबार्ड का कैमरा लगा हुआ है और उस कैमरे का जो नाइट रिस्पॉन्स है बहुत अच्छा है एंड डेफिनेटली वो हाई एंड कैमरा, तो उसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो दोनों डिफरेंट कैटेगरीज के ड्रोन हैं, डोंट कंपेयर देम। मैविक एयर एक बजट फ़ोन में मिड सेगमेंट में फ़ोन आता है, सॉरी मिड सेगमेंट में ड्रोन आता है, और जो मैविक 2 प्रो है वो फ्लैगशिप में आता है। ठीक है, तो फ्लैगशिप को आप मिड सेगमेंट में मत करें कंपेयर तो अच्छा रहेगा। और आपके जो बात है वो बिल्कुल सही है कि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और उसके बाद ऋषि सिंह कह रहे हैं, सर आई नीड मैविक मिनी बैटरीज एज आई बॉट स्टैंड अलोन ओनली, प्लीज कैन यू लेट मी नो इफ योर फ्रेंड्स हैव इट। मैविक मिनी देखिए, एक्सेसरीज का जो है ना, ड्रोन की एक्सेसरीज बहुत मुश्किल से आती हैं इंडिया में, क्योंकि एज सच लोग कॉम्बो में बिलीव करते हैं लेने को, क्योंकि ड्रोन ही एज सच बहुत मुश्किल से आता है। तो इवन स्टैंड अलोन ड्रोन भी कम आते हैं, कॉम्बो ज़्यादा आते हैं, क्योंकि एक बार ही में डील हो गई, बैटरीज भी आपको मिल गई तो काम खत्म। तो अगर अवेलेबिलिटी होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा डेफिनेटली। फिलहाल अभी मेरा ऐसा कोई कांटेक्ट में नहीं है जिसके पास ये बैटरीज पड़ी हो। निखिल जी कह रहे हैं, सर डज डीजे मैविक मिनी रिक्वायर रजिस्ट्रेशन? नो, मैविक मिनी ही इसीलिए बनाया डीजे ने, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में उसका वेट मतलब जो लिमिट जहाँ पर ये तय किया गया है कि 250 ग्राम से ऊपर वाले जो ड्रोन्स हैं उसी को आपने रजिस्टर करवाना पड़ता है, तो उससे ये नीचे है तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसका यही फायदा सबसे बड़ा। M30S के बहुत क्वेश्चन है, नेक्स्ट सीरीज में ले जाएंगे, अभी मैं सिर्फ ड्रोन्स के पढ़ रहा हूँ। माई एज इज 15। अब्दुल काजिम कह रहे हैं, कैन आई इनलिस्ट माई ड्रोन? नो बडी, कम से कम 18 साल की उम्र होनी चाहिए ड्रोन इनलिस्ट करने के लिए। अभी एक बहुत ही बढ़िया हमारे लोकल मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे फॉलोअर हैं, स्टाइलिश स्वैगर, ही सेइंग हाउ सेलर्स गेट सील्ड पैक ड्रोन इन इंडिया। तो आप इंडिया में रहते हैं, आपको पता होना चाहिए इंडिया में बहुत गोलमाल होता है, तो गोलमाल से आता है, तो होप आपको पता लग गया होगा कैसे मैं कह रहा हूँ। इंडिया डोर लोकेशन फॉर डीजे मैविक मिनी, सर मुझे परचेस करना है, कैन यू शेयर योर व्हाट्सएप नंबर? हसन साहब, मैं सेल नहीं करता तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लेके क्या करेंगे आप? डीजे फैंटम क्या मिलेगा? देखिए मैं हेल्प करता हूँ, मतलब जो मेरे कई फ्रेंड्स होते हैं, कोई मुझे कहते हैं कि आप बताएं कि हमारे पास हैं तो आप सेल करवा दें, तो मैं एक अपना एक आपको अपना फ़र्ज़ निभा के आपके तरफ एक सोर्स बता देता हूँ। तो फिलहाल अभी मेरे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है। मैविक एयर 2 में कह रहे हैं गैस्चर मोड रहेगा या नहीं? गैस्चर मोड मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गैस्चर मोड से बहुत एक्सीडेंट्स होने का खतरा है, क्योंकि गैस्चर मोड इज नॉट सो एक्यूरेट। और मैविक एयर थोड़ा एज कम्पेयर टू मिनी थोड़ा बड़ा ड्रोन है, तो बड़े ड्रोन में तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से गैस्चर मोड। स्टाइलिश वगैरह का एक और क्वेश्चन, रिमोट बट दिखने में प्रीवियस मैविक सीरीज के ही अच्छे हैं, लुक्स की बात कर रहे हैं आप कह सकते हैं, या क्योंकि जो पिछले जिसमें स्क्रीन भी आती थी मैविक प्रो की बात करें तो वो रिमोट्स दिखने में तो अच्छे थे, लेकिन ये वाला आप जो नया आने वाला है ड्रोन उसमें थोड़ा इजी कर दिया है फोन लगाने के लिए, तो उस हिसाब से ईज ऑफ यूज के हिसाब से मुझे वो अच्छा लगा। प्राइस क्या हो सकता है इसका? प्राइस इसका 75-80,000 कॉम्बो पैक पे आई थिंक इंडिया में तो महंगा ही मिलता है।
कब तक मिलेगा इंडिया में? लगेंगे 3-4 महीने अभी और अगर ये चलता रहा कोरोना तो फिर तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। रितिक कुमारी, आई एम बैक सर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 10K सब्सक्राइबर्स। ये हमारे पुराना सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एप्रिसिएशन एंड थैंक यू। अर्जुन सरदार कह रहे हैं, भैया ट्रेनिंग कम्प्लीट कोरोना का बदमा कौन सा गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है? बादमा भैया ट्रेनिंग कम्प्लीट कोरोना के बाद में कौन सा गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है? तो ही इज आस्किंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे कि गवर्नमेंट जॉब का क्या स्कोप है। अब देखिए, मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज सरपंचों से अपनी मन की बात कही और उसमें बोला कि ड्रोन का यूज़ होने वाला है आपकी लैंड्स को डिवाइड करने के लिए, उनको एक डीड देने के लिए, मालिकाना हक देने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि ऊपर से आप ड्रोन से ही देख सकते हैं, इंची ऊंची टेप से इतना पॉसिबल नहीं है। जो ड्रोन से पॉसिबल है वो मैपिंग होके पता लग जाएगा कि ये जमीन इस बंदे की है, ये जमीन। तो ये मैं इसलिए दे रहा हूँ एग्जांपल क्योंकि हमारे देश में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है और काफ़ी किसान है हमारे यहाँ। तब उस लेवल पे जब ये चीज़ें अभी वो 5-6 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली वगैरह में शुरू करने वाले हैं, तो ये एक तरह से सरकारी काम है, मानते हैं। अब जब ये सरकारी काम है तो सरकारी काम में ड्रोन यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर वाला, और वो उड़ाने के लिए उनको ड्रोन पायलट चाहिए। तो डेफिनेटली ऐसे सेक्टर्स में, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में आपको ड्रोन उड़ाने को मिलेगा अगर आपको ट्रेनिंग है तो। तो इस तरह से अगर आप ट्रेनिंग लेंगे तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में बहुत सेक्टर्स में, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी, डेफिनेटली ड्रोन पायलट की जॉब्स निकलेंगे। तो प्लीज़ आप, और एक और मैंने वीडियो बताया था कि जल्द ही ये जो ड्रोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, पहले सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड थे, अब काफ़ी जगह पे खुलेंगे। तो आप बने रहे चैनल के साथ और ज़रूर आपको मैं अपडेट कर दूंगा, और डेफिनेटली सरकारी जॉब तो ज़रूर मिलेंगे क्योंकि सरकार अब इनका यूज़ कर रही है, पुलिस यूज़ कर रही है। आज के दिनों में आपको रोज़ न्यूज़ पर दिखता है ड्रोन से फोटेज ली जा रही है, दे आर लुकिंग अराउंड पीपल, कर्फ्यू में कौन बाहर निकल रहा है, छतों पे कौन जा रहा है, कौन बता रहा है, ड्रोन बता रहा है। आगे एग्रीकल्चर में आज प्रधानमंत्री जी ने बात कर दी, अब ये स्कैनिंग लैंड्स की होगी, किससे होगी, ड्रोन से होगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में ड्रोन आ रहे हैं। डेफिनेटली आप ट्रेनिंग लें, जो जो इंटरेस्टेड है, बहुत स्कोप है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो एक और बन जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखे। और वीडियो 13 मिनट का क्रॉस कर गया, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचना चाहता हूँ, अभी मैंने लेटेस्ट सवाल ले ली है। नेक्स्ट आगे हर एक हफ्ते में एक मैं ऐसा सेशन ले लूँगा जिसमें आपके सबके क्वेश्चन कवर कर सकें। हो आपको पसंद आया होगा वीडियो, थैंक यू वेरी मच, कीप सब्सक्राइबिंग। एंड आईफोन का एक बजट फ़ोन आने वाला है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत बढ़िया फ़ोन है, फ्लैगशिप फीचर्स डाल दिए हैं सस्ते दाम में, उस पर भी वीडियो आएगा, आईफोन SE की बात कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, कीप सेफ एंड स्टे एट होम, थैंक यू।